उज्जैन के थाना चिमनगंज मंडी क्षेत्र में बाइक चोरी की एक वारदात सामने आई है। खास बात तो यह है कि घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। एएसपी आकेश भुरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने मामले में केस दर्ज करवाया है, जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि आगर रोड पर स्थित पंजाब एंड सिंध बैंक के क्लर्क अनूप बाली अपनी बाइक से बैंक में ड्यूटी पर पहुंचे। जब ड्यूटी खत्म होने के बाद वह बैंक से बाहर निकले तो उनकी बाइक नहीं थी। बैंक में लगे सीसीटीवी फुटेज को देखा गया तो मालूम पड़ा कि चोर ने नकली चाबी से बाइक का ताला खोला और फिर बाइक लेकर रफू चक्कर हो गया। मामले में पुलिस ने गुरुवार को केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सर, हमारी गाड़ी पल्सर थी 150 सीसी, क्योंकि हम सुबह ड्यूटी पे आए थे। पंजाब सिंध बैंक में हमारी नौकरी है। हम बाहर गाड़ी पार्क करने के बाद हम अंदर रहे। उसके बाद 5 बजे जब छुट्टी हुई हमारी, बाहर निकले, देखा तो गाड़ी मिस थी। हमने सीसीटीवी कैमरे देखे, उसमें हमको 5:05 के अंदर का सीन मालूम पड़ा है कि दो व्यक्ति उस पर अननेसेसरी व्यक्ति चाबी लगा के उसको स्टार्ट करके ले गए। हमने चिमनगंज मंडी थाने में इसकी रिपोर्ट दी हुई है। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया, जिसमें एक व्यक्ति की बाइक नगर निगम के सामने, बैंक के सामने से चोरी करके एक लड़का लेके जाता हुआ दिख रहा है, जिस पर से थाना चिमनगंज में एप्लीकेशन प्राप्त हुआ। अपराध पंजीबद्ध करके उसमें फुटेजेस के आधार पर आरोपी की तलाश की जा रही है और शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा।